कन्नू ज्यादा सोचो मत, शीशा फटफटा जाएगा। अरे यार अगर कोई बात सोच रही हो तो हमसे कह दो ना, हम यही हैं। हम सोच रहे हैं कि अपने फ्लैट कब वापस जाएंगे। एक तो इस लड़की का कुछ पता नहीं है, कब क्या कांड करेगी, तो वैसे ही टेंशन चढ़ी हुई है सर पे। अरे यार यहाँ दीपू है, पापा जी हैं, मन्नू हैं, सब मिलके संभाल लेंगे ना। वो भी है, कभी ना कभी तो जाना ही ना, कब तक टालेंगे। यार एक सच बताएं, और सच ये है कि मन ही नहीं है यहां से जाने का। बोलो सच या झूठ। जब तक यहां थे तब तक लगा रहता था कि कब अपना फ्लैट मिलेगा और कब जाएंगे यहां से। कन्नू इस घर में पापा जी का जादू है, दादी की डांट है, मन्नू का बुद्धूपन है, दीपू की मस्करी है, कार्की की चूहलबाजी और पिंकी उसकी बेवकूफियां है। यार एक काम करते हैं, उस फ्लैट को ना रेंट पे डाल देते हैं और तुम बताओ। और हमने रहने की कोशिश की ना, रह पाया वहां नहीं। एक बात बताए तुम्हें, जब हम और दीपू रोज टहलने के लिए जाते हैं ना, रोज हमसे कहता है कि जीजा जी रुक जाइए, आपके बिना हम अकेले पड़ जाएंगे, सूना सूना लगता है। क्या क्या बोलेंगे यार उसे हम? तो डरते थोड़ी ना हम, लो सामने बोल देते हैं। मत जाओ यार, अब तुम लड़ती हो ना हमसे तो बीबी भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। ये देखो, एक ये हमारा भाई है जो हमारे साथ लड़ने के लिए हमें रोकना चाहता है। भाई तुम दोनों की तुम ही जानो, हमें नहीं बीच में पड़ना। भाई ये क्या आवाज आ रही है? हम देख के आते हैं। तुम बैठो, हम तुम्हारे बाल बनाते हैं। बैठो। पिंकी तुम ये क्या कर रही हो? कपड़े सुखाने जा रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? सही मायने में अब आया कलयुग। हमने श्वेता के पैसे गायब करने का सोच तो लिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। हाँ लेकिन उम्मीद तो है, एक प्लान। अरे यार हमारे प्लान की चाबी हमारे ड्रॉअर में चिपकी पड़ी है हमारे ऑफिस में, उसे अलमारी खोलो, चिट्ठी निकालो और भेजो उस नौटंकी को जेल। कैसे समझाएं सबको? एक बार हाथ हिला था, अब क्यों नहीं कुछ महसूस हो रहा? प्रणाम डैडी जी, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए। हमारा ना सीना चौड़ा हो जाता है ऐसे देख के, जब ये लोग डैडी जी की रिस्पेक्ट करते हैं। असली रॉबिन हुड यही है, प्राउड ऑफ यू डैडी जी। चलो उधर घुमा के लेके आते हैं, पीछे की तरफ। अरे एमरजेंसी अंकल। अरे वाह, सैर सपाटा चल रहा है। हाँ जी, वो हमें लगा कि बाहर वॉक कर लेते हैं और पापा को फ्रेश एयर भी मिल जाएगा।
से ना देखिए डैडी, मर जाने का मन होता है। बेटा ये पिछले हफ्ते का बैलेंस शीट है, अब काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तुम लोग भी एक बार चेक कर लेते। नहीं नहीं अंकल, आपने देख लिया, हम भरोसा करते हैं आप पे अंकल, पापा और आप एक ही है हमारे लिए, आप जो करेंगे ठीक ही करेंगे। फिर भी बेटा एक बार तो देख लो। अरे इमरजेंसी अंकल, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप, भरोसा है आप। अरे ये गद्दार है बच्चों, गद्दार है, इसे इज्जत देकर इज्जत की बेइज्जती मत करो, मारो साले को। अच्छा तो हम निकलते हैं। अरे हम चाय बना रहे थे, चाय पी के। अरे नहीं नहीं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अब तो संन्यास ले रहे हैं। हाँ एक बार डैडी जी ठीक हो जाएं तो फिर चीयर्स जरूर करेंगे, चलते हैं। मुझे पता है डैडी, आपकी यह हालत मेरी वजह से हुई है, अगर मैं श्वेता और मैंडी का साथ ना देता तो ऐसा ना होता, लेकिन मौका मिलते ही मैं उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर दूंगा। आप लोग डर क्यों रहे हैं, हमारा ही तो घर है, धड़ल्ले से घुसते हैं अंदर, ढूंढते हैं चाबी, कौन रोक सकता है हमें, देखते हैं कैसे नहीं मिलेगी। हाँ भैया ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब होगा कि हम श्वेता को पहले से ही बता रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। हाँ सही बोल रही है ये। तो माई बाबू आप श्वेता पर नजर रखना, जैसे वो बाहर जाएगी, अम्मा आप श्वेता की मम्मी पे नजर रखना, उसे किसी भी बहाने से नीचे बुला लेना, तब हम उसके कमरे में जाएंगे और ढूंढने की चाबी है कहाँ। वाह पापा वाह, आज के आपने नमक वाला टूथपेस्ट यूज किया था, क्या दिमाग चल रहा है आपका है। देखो वैसे तो अब जादू काम करता नहीं आपका, उन दोनों नौटंकियों को गायब तो कर नहीं पाया है ना। बेटा जादू से तो हम तुम्हें भी नहीं गायब कर पाए। हम भाई बहुत नर्वस हो रहे हैं। अरे दादी अभी तो आपकी टर्न भी नहीं आई, आप आराम से डायलॉग याद कर लेना, हम लिख करके दे देंगे। पिंकी भाभी नजर नहीं आ रही। वो नहीं दिखे तो अच्छा ही है, आवा कद्दू के चक्कर में हमको भेज दे, वो फैमिली क्या चीज है। ए दीपुआ ऐसा मत बोल। हम बता रहे हैं दादी, उसकी नौटंकी खत्म नहीं हुई ना, छोड़ देंगे उसको। अरे दीपुआ इस तरह से बात करेगा ना तो मारेंगे हम तुझे। आपने सर पे चढ़ाया है, भुगतो उसको। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.